तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और हेटर्स को भी हमेशा बोलती हूँ और सपोर्टर्स को भी। तो फ्रेंड्स, आज का ज्योति वाला मामला जो है ना, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। 15 से 20 दिन हो गए हैं जो कि ज्योति अभी तक अपने घर नहीं आई है। और जैसे कि आज की वीडियो में बताया गया था कि परवीन और ज्योति थाने में आमने सामने आए थे, लेकिन तो पहली बार ऐसा होता कि ज्योति की जो मदर एंड फादर है वो नहीं आए थे। ओनली ज्योति और परवीन आमने सामने आए थे, लेकिन ज्योति के साथ उसकी दादी और उसके फादर थे, जो शायद इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करते जितनी ज्योति की मदर करती है। उसकी वजह से ये सब कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। तो पहली बात तो मैंने ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो अपनी बेटी का घर अपनी बेटी के घर का नाश करने पर तुली हुई हो। मैं तो कोई देखी नहीं कसम से। लेकिन ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग कि इसकी माँ इसके घर का नाश करवा रही है बोलते, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक औरत अपनी ही बेटी का घर उजड़वाने के पीछे लगी हुई हो। लेकिन इस सब को देख कर, ज्योति वाले मैटर को देख कर, तो ये अब सच होता साबित हो रहा है कि हाँ भाई सच में ऐसा होता होगा। ज्योति के मैटर को देखकर सच में लग रहा है कि हाँ भाई ज्योति के साथ उसकी जो मदर है वो उसको सपोर्ट कर दी है प्रवीण के घर आने के लिए। तो ज्योति की माँ उस टाइम पर कहाँ गई थी जिस टाइम पर ज्योति ने भागकर शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, दो बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद लेकर क्यों गई अपने घर? अरे ले जाना ही था तो पहले ले जाती, दो बच्चे क्यों पैदा करने थे? और उस बच्चे को देख देख के ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि वो छोटा सा बच्चा क्या जानता है, अभी कुछ नहीं जानता। उसने क्या देखा कि दुनिया में आते ही उसकी माँ छोड़ के भाग गई? और साफ साफ जो है ना, ये मीडिया वाले ये लिखते हैं कि उसकी माँ छोड़ के भाग गई, ठीक है, कभी नहीं बोलते कि चली गई, नहीं, भाग गई। तो अभी तो वो बच्चा छोटा है, तो लेकिन उसके आने वाले फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? तो बच्चे ऐसा तो है नहीं कि न्यूज आनी बंद हो जाएंगी या ये वीडियो सारी डिलीट हो जाएंगी। कभी ना कभी तो ये वो बड़ा हो गई तो कभी ना कभी तो वे सब ये वीडियो देखेगा ही, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी माँ मुझे छोड़ के भाग गई थी जब मैं 1.5 महीने का था? तो उस माँ की ज्योति की क्या वैल्यू हो जाएगी उस बच्चे के लिए? तो कुल मिला के बात यही है कि ज्योति अब भी मौका है, अब भी आ जाओ, कोई तुम्हारी बदनामी नहीं कर रहा, कोई तुम्हें गलत नहीं बोल रहा। अगर तुम एक बार कैमरे के पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ दोगी ना, तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा। और प्रवीण भाई ने तो आज तक तुम्हारे बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं बोला है, उसने हमेशा तुम्हारी मदर को और दादी को बोला है, तुम्हारी मौसी को बोला है, बुआ को बोला है, लेकिन तुम्हें कभी गलत वर्ड नहीं बोला। वो अब भी ये बोलता है कि ज्योति आ जाएगी, ज्योति आएगी जरूर, चाहे 3 तारीख वाली काउंसलिंग के बाद आए चाहे उसके बाद आए, लेकिन वो आएगी जरूर। उसका अब भी ये विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है उसका कि उसको लगता है कि तुम आओगी जरूर। और ऐसे कल दोनों आपके सामने मिले थे तो ज्योति ने ये भी बोला कि पापा तो बोल रहे हैं कि चली जा, लेकिन पता नहीं फिर भी वो अपनी माँ के कहने में चल क्यों चल रही है। वो उसकी माँ खुद भी तो ये देखे कि मेरी लड़की भी एक माँ है, तो उसकी माँ ये सोच रही थी कि बस अपने अपनी लड़की के बारे में सोच रही है, ये नहीं सोच रही कि अब जिसकी लड़की के बारे में सोच रही है वो लड़की भी दो बच्चों की माँ है, कि उन बच्चों को छोड़कर तू क्यों पड़ी हुई है यहाँ? उसको भेज समझा बुझा के भेजती नहीं। जैसे चल प्रवीण की गलती है, प्रवीण को बुला के डांट लो, उसको समझा दो आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। वो खुद बोलता है मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझसे जो गलती है उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसी उसकी प्रवीण की सास है और उसकी वाइफ है। तो ये कुछ परवरिश के असर होता है ऐसा है। ज्योति ना इसलिए ऐसी है कि उसकी मदर ही ऐसी है, वो सिर्फ अपनी मदर के साथ चल रही है, उसकी मम्मी ही ऐसी हैं इसलिए वो ऐसा ये सब कुछ कर रही है, वो सिर्फ अपनी मम्मी की कहने में चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी परवरिश ही सही नहीं है। और रही ज्योति के बच्चे की बात, तो मैंने बोला था ज्योति का बच्चा ना सिर्फ ज्योति और प्रवीण का बच्चा नहीं है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि ज्योति का बच्चा जो है ना वो अब सिर्फ ज्योति और प्रवीण का बच्चा नहीं है, ठीक है। ये जो लाखों करोड़ों हजारों लोग देख रहे हैं ना, ये सब उस बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। और भी औरत भागती हैं, बहुत सी औरत भागी हुई हैं, जैसे पूनम भागी हुई है, एक और थी क्या था उसका नाम, वो अपने भतीजे को लेके भाग गई थी,
उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन शायद ये पहला बच्चा है जो इतना छोटा है 1-1.5 महीने का, जिसकी माँ छोड़कर भाग गई। इसलिए इस बच्चे के लिए ना, इस बच्चे पर हर किसी को प्यार आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मासूम सा, बहुत छोटा सा बच्चा है। इस टाइम पर इसको सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी, माँ की फीड की जरूरत थी, जो इसे नहीं मिल रहा। तो इसलिए ना, इस बच्चे को जो भी देखता है ना, ये नहीं कह रही कि मैं ही, कितने भी लोग देखते हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों, कितने भी लोग हों, सब लोग इस बच्चे के, बच्चे से ना अटैच हो गए हैं। ये बच्चा सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई बोलता है कि मैं इसको अपना दूध पिला दूंगी, कोई कहता है कि मैं इसकी केयर कर लूंगी, कोई कहता है कि मैं इस परवीन से शादी कर लूंगी, अगर परवीन मुझे अपनी वाइफ का वो दे तो, दर्जा दे तो, मैं इस बच्चे को बहुत अच्छे से पाल लूंगी। तो सब इसलिए नहीं है कि परवीन से कोई लालच है किसी को, नहीं, परवीन भाई से किसी को कोई लालच नहीं है। अगर किसी से कुछ लालच है ना, तो वो इस बच्चे से लालच है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये सबको बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर सबको बहुत दया आती है, क्योंकि बहुत छोटा सा है बच्चा है, और इसकी माँ से छोड़ के भाग गई 1.5 महीने, कुछ कुछ पता ही नहीं। तो उसलिए इस सब बच्चे से सब लोग कनेक्टेड हैं, और सब लोगों को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए सब बार बार ज्योति से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ज्योति प्रवीण के लिए ना सही, इस बच्चे के लिए आ जाओ। अगर तुम नहीं भी रहना चाहती परवीन के साथ, तो भी इस बच्चे को ले जाओ, क्योंकि ये बच्चा शायद तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, उसकी तबीयत इतनी खराब है। तो हम लोगों को तरस आता है देख देख के उस बच्चे को। ऐसा नहीं है कि ज्योति नहीं देखती कैमरा या फोन, सोशल मीडिया से तो ज्योति भी अटैच होगी ना, तो क्या वो नहीं देखती होगी कि इसका बच्चा कितनी बुरी हालत में है, कितना बीमार है, अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, दूध के लिए तड़प रहा है। जबकि और माए जो है, और जो बहने हैं, भाई हैं, हर कोई उसके लिए एक, हर किसी से उसका एक कनेक्टेड, वो कनेक्ट हो गया है वो हर किसी से। ये नहीं कि सब औरतों के, जो आदमी हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो मैरिड भी नहीं है लड़कियां, जो मैरिड नहीं है लड़के, उन सब लोग भी इस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। जो कि लेकिन ज्योति को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके बच्चे से सब इतना प्यार करते हैं, वो अपने बच्चे से इतना दूर क्यों भाग रही है। और इस बच्चे को भी कोई भूलेगा नहीं, ज्योति आ भी जाएगी ना, उसके बाद भी इस बच्चे को कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। अगर ज्योति, प्रवीण भाई, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम अपना यूट्यूब, एक सेकंड, मेरा दूध बोल के तुम्हारे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस बच्चे से हर कोई बहुत ज्यादा अटैच है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इस बच्चे को मैं अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझको इस बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रवीण भाई इस बच्चे को छीन लूँ या गोद लेने के लिए कह रही हूँ, नहीं। मैंने गोद लेने वाली बात ये बोलती है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, वो बोलते हैं जिनसे कोई कनेक्टेड है कि इस बच्चे को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वो प्रवीण के भाई के पास रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी हम इसे अपना ही बच्चा मानेंगे, क्योंकि बच्चे से कनेक्शन ही ऐसा हो गया है हम लोगों का। वो प्रवीण भाई, अगर आप चाहे तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ताकि ज्योति को और आपका जब फैसला हो जाए ना, उसके बाद भी हम इस बच्चे से कनेक्ट रहे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर से जाते समय राम राम सारा ने।